सकते हैं खाना पर किसी के घर। मैंने यहाँ पर 3 बड़े बड़े आम लिया है, कच्चा आम। इसको इसका छिलका निकाल कर अच्छे से तुरक लिया है धोकर। और चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। मैंने 3 बड़े बड़े आम के लिए 100 ग्राम ऑयल लिया है और इस पर मैं डालूंगी यहाँ पर राया यानी कि मस्टर्ड। और इसका चार चार आने के बाद मैं यहाँ पर डालूंगी, यहाँ पर 15 काली मिर्च है और 10 बड़े लहसुन की कली है, इसको भी डाल दूंगी। और फिर डालेंगे मेथी थोड़ा सा आधे के पर करी लीव ये सब। लहसुन का ब्राउन होने तक हम पकाएंगे और ब्राउन थोड़ा सा ब्राउन आने के बाद चूल्हे को ऑफ कर देंगे। देखिए ब्राउन सा हो रहा है तो फिर अब हम चूल्हे को ऑफ कर देंगे। ऑफ करके मैंने यहाँ पर लिया है 3 बड़े स्पून में लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर, 2 बड़े स्पून नमक का लिया है। तेल थोड़ा ठंडा होने तक हम वेट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स तेल ठंडा हो गया है तो अब हम आम इस पर डाल सकते हैं। देखिए ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही आसान है, आप भी अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छा तरीके से बन रहा है ये। अब हम इस पर आम ऐड करेंगे धीरे धीरे। देखिए फ्रेंड्स अब ये रेडी है, आप भी अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो आप तक अपडेट हो। अगली वीडियो पर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।